देखो भाई काली गाड़ी, काले शीशे में मुझे एक नंबर खतरनाक लुक आ रही गाड़ी की, एकदम मस्त। इसमें शायद पीपीएफ भी करवा रखी है। ये प्रोजेक्टर लग गए हैं भाई। जय श्री श्याम भाइयों, क्या हालचाल है सभी के। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपसे एकदम मस्त हो गए, बढ़िया हो गए, मैं भी एक नंबर हूँ। बाकी भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4:45 बज रहे हैं, 4:44 हो गए। और भाई मैं चल रहा हूँ एक बार आज गुड़गांव जा रहे हैं, अभी मैं और आकाश जा रहे हैं। तो भाई जाने का कोई प्लान तो था नहीं, हम अपने ऑफिस में बैठे थे। तो भाई मैं बहुत दिन पहले आपने देखा था व्लॉग में, मैं अपने लेके आया था कुछ सामान लेके आया था गाड़ी के लिए। ये लेके आया था भाई प्रोजेक्टर और इनके डायमंड आई वगैरह, ये 2-3 चीज़ लेके आया था। तो ये काम कराना है, मगर आज यार थोड़े फ्री हैं तो आज चलते हैं, काम कराए जाते हैं, तो अभी चल रहे हैं। बाकी भाई गर्मी इतनी ज़्यादा होने लग गई है, मतलब दिन में तो निकलने का कहीं मन ही नहीं करता। बाकी ये शाम का ही काम था, मुझे को लाइट वगैरह सेट भी करानी थी, मगर शाम को ही निकल लेंगे। तो अभी 5 बज रहे हैं भाई, 5 बजने वाले हैं, तो अब चलते हैं। बाकी भाई ये कवर लेके आया था मैं अपने फ़ोन के लिए, मेरे को तो एक नंबर लगा, बहुत मस्त कवर लगा ये। तो अभी चलते हैं भाई, आकाश को ले लेते हैं फिर चलते हैं। बाकी अंकित से बात हुई थी, अंकित भी बोला कि आ जाओ भाई। अंकित के भरोसे ही रुक रहा था क्योंकि उसे एक जानकार है, उसके पास काम कराना है, वो अच्छा काम करता है, तो वहाँ पे कराएंगे। बाकी डायमंड आई मेरे को भाई लाइट बिना खोले करवानी है, सब भाई खोल के लाइट फिर कराते तो उससे क्या होता है फोग जम जाती है उसमें, तो इस वजह से मगर रहने देते हैं। कहीं जहाँ वो जो बंद के बंद में लगा देंगे ना उसमें कराऊंगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं मिलता है तो कोई फिर कराते हैं काम। बाकी देखते हैं और क्या क्या कराते हैं, कुछ पसंद आ गया तो और भी कराएंगे। तो एक बार आकाश को ले आते फिर चलते हैं। लो भाई घर से निकलते ही दिख गई ये ठोक दी गाड़ी, ये ठोक दी भाई किसी ने पीछे से। अब ये देखते हैं भाई क्या करते हैं भाई, हम तो चलते हैं अपने, आकाश को लेके आता हूँ पहले फिर चलते हैं। तो भाई सेठ आ गया है, देखना बिल्कुल सद बज के आया है, जींस की पट्टी हुई पैंट। तो भाई अब चलते हैं अपने एंड ब्रेक। पहुंच गए हैं 4:26 पे, बाकी अभी काम स्टार्ट होगा अपना। ये है इसके कवर प्रोजेक्टर के, और ये है प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर लगेंगे भाई इनके, रोशनी एक नंबर है भाई, ये हट जाएंगे, ये लगेंगे अभी, दिखाते हैं आपको। अभी काम करेंगे भाई, गाड़ी वॉश भी कराएंगे, वॉश भी हो जाएगी, यहीं गंदी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, वॉश भी कराएंगे। तो भाई ये टैटू भी टूट फट चुके हैं, इन्हें भी उतरवा देते हैं, फिर बाद में नए लगवा लेंगे, और अभी हुए तो अभी लगवा लेंगे, देखते हैं जैसे भी होगा। बाकी ये अच्छे नहीं लगते फटे हुए, देखना। तो भाई गाड़ी खोल दी आगे से, पूरी बम्पर वगैरह निकल गए हैं, एक कवर लग भी गया वो नीचे, और इधर का ये लाइट हट जाएगी, वो हट गई है, एक कवर लग गई, अभी इसमें प्रोजेक्टर लग जाएगा, ये ऐसे लगेगा, मस्त रोशनी इसकी, दिखाता हूँ मैं आपको लगने के बाद। ये देखो लड़ाई देख लो आप, ये किचड़ में गया है, तेरा या दोनों तेरा ही है भाई, वहां तो लड़ाई करता आ रहा है वो अंकित आलिया रे, लाल देखना लड़ाई, एक ये झोटा खड़ा, एक ये घड़ी, ये भाई सागर की है थार, और ये वरना भाई बिट्टू की। भाग लिया दोनों,
चढ़ाई कर रहे हो? एक यार लिया लोकेशन मारे हो, कुत्ता न मारे हो दीक्षित भाई आ गए। और ब्रो अंकित के गुणवा क्यों लड़ रहा है? अरे वहां है वो अंकित है, अंकित कोक रात है ना। अरे वो वाला नहीं, पूरा सारा झुंड आ लिया भाई इनका तो। मैदान में आओ, जरा मैदान में आओ। पटाखा मार है भाई, बहुत लाउड है भाई, फुल मार भाई। भाई मस्त है। अच्छा दोबारा कर तो एक बार तो आ जाएगी। आ गई गाइस, इसमें लगाया स्टेज 2 HR26। स्टेज 2 हां, स्टेज 2 HR26 लगवाया भाई ने। अब ये रेजोनेटर लगवा रहा है इसमें 2500 रुपए का। ऐसी सिग्नल दिखा दूं, ये आपने देखा होगा पहले व्लॉग में। ये कौन 1.0 TSI 997 cc 172 Nm टॉर्क 110 BHP। और कुछ भी बता दे। हाँ आ रहा हूँ। 110 ही है, ओ सॉरी 110 ना है, 110 पहले थी, अब 150 है, 260 Nm। अच्छा सॉरी, सारा काम अपग्रेड हो गया है। स्टेज 2 ये देख, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, रेजोनेटर डिलीट, पेमेंट हो गई है, पेमेंट हो गई है। पटाखे मारने की पेमेंट कर दी, 800 रुपए में करवाए, 800 रुपए में हो जाएगा। हाँ भाई, तेल के बारे में क्या कहना चाहोगे? कितने देती है तेल के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? फिर आपको कैसा लगता है, मतलब आप पूरे दिन एग्जॉस्ट ऑन रखते हो? भाई पूरे दिन तो नहीं रखा जाता। क्यों? सिर में दर्द हो जाता है। अच्छा सिर, ये दिक्कत है या पेट्रोल की दिक्कत है? सही बताना। देखो सच्चाई में बताऊंगा, ये भाई आवाज से परेशान नहीं है, ये भाई पॉकेट से परेशान है। वो तेल का खर्चा है या फिर किस्त निकाल लो या तेल का खर्चा डाल देना भाई। हम इसका स्कैनर डाल देंगे प्लीज, हम पटाखा सुनने के लिए उसमें 10 रुपए डोनेट करो। उतनी एवरेज है बंदे में भी, चालू में भी उतनी एवरेज थी। फिर आप मेरे को ऑन ना कर दो, मैं तो बंद दिखता है यार ये अकेले रहूं जब। और साथ ही होते तो आपके जब बंद रख लेते हो। तो भाई अपने प्रोजेक्टर लग गए हैं, बाकी अभी चलते इसकी वॉशिंग वगैरह कराएंगे अंकितर के घर, वहीं पे बाहर हो जाएगी वॉशिंग। और भाई भाई सागर ने काम करवाया ये, तो अभी चलते हैं। ठीक है भाई जी, ओके। हाँ क्या आ रहा है? इंडिकेटर ना होएगा? क्यों? इंडिकेटर का कनेक्शन ना होएगा? जाए पर चेक करवा ले। हाँ कहीं कर इंडिकेटर चसा। हाँ इंडिकेटर नहीं जैसे इसके लगवा लेता है पर कनेक्शन। ये प्रोजेक्टर लग गए हैं भाई। तो भाई ये तार नहीं लगा था, ये लग गया, हो गए अपने इंडिकेटर ऑन। अब चलते हैं, दीक्षित ये चला रहा है गाड़ी भाई, हम उसमें चलते हैं। आ रहे हो प्यारी? आजा होगा। चलो भाई चलते हैं। तो भाई वो अपनी गाड़ी, तो भाई अब चलाएंगे अपने जेड ब्लैक। फ्रंट तक भी है? फ्रंट तक जेड ब्लैक करवा रखी है, पुलिस वालों से पकड़वाऊंगा इसको। अभी पुलिस वालों के पास जाके खड़ी कर देता हूँ मैं गाड़ी को। ठीक है? ठीक है भाई, करते कोई दिक्कत कोई दिक्कत ना है, दिक्कत अभी करेंगे, रुक जा। बापे की दया से। ओहो ऑटोमेटिक नहीं है क्या ये? नहीं भाई, आई लाइक मैनुअल ओनली। सर्विस आ गई तेरी की भी, मेरी की भी आ रही है। तो भाई अभी चलते हैं एक बार। तेरी डेफ नहीं है ना तेरी में तो? अलाइव विल दोबारा चेंज करवा दिया? यस। एक मिनट रुक, मैं गाड़ी फोन की लाइट चसा लूं। कितने बार चेंज करवा लिया अलाइव विल? तीसरा है ये, करवाएंगा दूसरा। ये डायरेक्ट फिटमेंट नहीं है। 20,000 चली है गाड़ी,
तीन बार हो चुके हैं, चौथी बार की अभी करवाएगा दोबारा है भाई। डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है ये, अलोए वो है भाई 10.5 GM है तो ये अंदर जो इसका ब्रेक कैलिपर है ना ऊपर सोकर जो है उसमें अड़ जावे है। तो इसमें ना एक रिंग बन रखी है 4 mm जो होती है उसकी, बहुत ऊपर कर रखी है सीट तूने, तुषार जला था भाई 4 mm की भाई दोनों साइड रिंग लग रही है, तो डायरेक्ट फिटमेंट चीज नहीं है। फिर कब करवाओ भाई? करवाएंगे अभी सर्विस थोड़ा सा एक बार निबटा काम पे। एक तो छोटा मोटा। अरे ये ओके है, पहले गियर लगा रखा फिर भी कैमरा चल रहा है जब तक 15 की स्पीड से। अरे यो करेगी ना जब तक चलता है। वाह वाह। और भाई 20 इंच है ना ये? 20 इंच में भी 17 की एवरेज दिखा रही है। वाह भाई वाह, मौज कर रखे गाड़ी पे। ये इसी नियमन पे आ रही है, एवरेज बहुत मस्त है भाई। तो एक बार पहुंच लेते हैं भाई अंकित तरके। ये भाई डायरेक्ट फिटमेंट चीज आएगी, थोड़ी और एवरेज बढ़ जाएगी और ये स्मूथनेस आ जाएगी गाड़ी। अभी ये फिर स्मूथ तो ही है रेंडर। ना ना 120 क्रॉस करते हैं ना भाई। 120 क्रॉस पे गाड़ी थोड़ी सी बबलिंग मार रहा है हैंडल। अच्छा 120 क्रॉस पे पुलिस वाला मिल ना रहा है ना, मैं भी खड़ी कर दूं। यहाँ मिलेगा फिर यहाँ नहीं लेनी हमने है ना। अरे ठा तो लियो। तो भाई अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी है वो उस पर वो रही। अब यहाँ अपने खड़े हैं इतने सारे भाई, ये अंकित की स्कॉर्पियो वो दो खड़ी है वो सब पूरी गाड़ी, फिर भी कपड़ा लगवा रहा है। सुनी इसमें थूक दे एक बार, एक बार थूक दे, पुछ कर दे, पुछ ओ पुछ कर रहा है, पुछ कर रहा पुलिस आना दिखा, मैं तो खड़ी कर रहा था मगर पहाड़ वगैरह चलान चलून ओयो। तो भाई अंकित हर के हवेली पे आ गए हैं। बाकी भाई एक बात तो है, वो अंकित की गाड़ी खड़ी है और ये देखो भाई काली गाड़ी, काले शीशे में मुझे एक नंबर खतरनाक लुक आ रही गाड़ी की, एकदम मस्त है। इसमें शायद PPF भी करवा रखी है, पर भाई आप कमेंट करके बताओ। और ये 20 इंच अलॉय लगवा रखे हैं, पर यार ये देखो कितने स्क्रैच पड़ रहे हैं इस वजह से। ये क्रोम है ना, क्रोम भी उतर जाती है और ये साइड में ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं तो ये भिड़के भी चलते हैं। और साइड में पूरा स्टेयरिंग मोड़ देते हैं तो टायर भी भिड़ते हैं इसके। इसमें 10.5 J है इस वजह से भिड़ते हैं, नहीं तो 9.5 या 10 हो तो वो सही रहते हैं। बाकी भाई वैसे ख़तरनाक लुक आ रही है गाड़ी की, जेड ब्लैक करवा रखे भाई ने गाड़ी, मस्त एकदम। इसमें प्रोजेक्टर लग रहे हैं पर इसमें वो वाले प्रोजेक्टर नहीं है जो मेरी में अब लगवाए मैंने। इसमें दो लाइट चस्ती है, एक वाइट चस्ती है, एक पीली चस्ती है। अंकित भाई यार क्या मेरी देख लो कैमरा, हाँ इनोवा 0078 नंबर भाई ने भर दिया हुक्का बब्बा की दिया था। अब ये अकेला पी दे, पी लेगा इसको, सिलका देगा इसको बढ़िया। अरे देखना इसको हुक्का भरना, ऊपर तक भरा है बिल्कुल चिलम आँच देखो। हाँ सारे भाई भाई अंदर बैठे हैं। तो भाई यहाँ से निकल लिए, बाकी अपनी गाड़ी वॉश हो चुकी है, बढ़िया वॉश कर दी। और भाई अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो गए और अभी हम जा रहे हैं NH8 पे, होटल हाईवे किंग। भतीजे का बर्थडे है तो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे सब आ गए हैं चाचा, तो वहाँ पे जाके दिखाते हैं।
बाकी आकाश कर रहा है ड्राइव, और ये प्रोजेक्टर की लाइट देख लो, ये प्रोजेक्टर है ना बस, ये बस नीचे प्रोजेक्टर की लाइट है, ऊपर के जैसे ये देखो। बाकी आपको कहीं रुक के दिखाते हैं, फिर दिखाऊंगा भाई प्रोजेक्टर की लाइट, बढ़िया लग गई, बढ़िया रोशनी दे रही है, इंजन में ही बढ़िया मस्त है एकदम। तो अभी निकलते हैं, चलते हैं। तो भाई होटल पे तो पहुंच गए हैं, बाकी भाई यार नहीं आए हैं अभी, थोड़ा वेट कर रहे हैं। बाकी इतने आप प्रोजेक्टर देख लो गाड़ी के, रोशनी देख लो यहाँ से, अच्छी रोशनी दे रहे हैं। बस अभी प्रोजेक्टर चस रहे हैं, हेडलाइट और चसा देता हूँ एक बार, देखो ये आ गए। ओ ओ, ओ। भाई यार भी आ गए, काली स्कॉर्पियो ले गए। दोनों की लाइट खतरनाक हो गई अब। मस्त। भाई ये इनके भूखा को देख लो, इसकी शाही थाली साथ में इसकी कॉम्बिनेशन देख लेता था, डाइट कोक अंकित राय तो तीन राय तभी को पर तो डाइट कोक चाहिए भाई खाना वगैरह खा लिया, पान की कमी थी लिया है खा लेते हैं, अब चलते हैं अपने घर। पान सुपारी कहे के पान बनारस वाला दीप खा लियो बाऊ यो तो खा के भी बोलना रे भाई, मैं आपको बहुत दिनों में दिख रहा हूँ रीजन बताओगे ओ भाई यहाँ पे ऊँट सवारी भी होती है, बाकी मैं पान खा रहा हूँ तो बोल नहीं पा रहा हूँ इतना। आप ब्रो चले, अच्छा रीजन बता दे, कई दिन हम क्यों जिगर कंट्रोवर्सी हो गई थी गाइस और कहाँ हुई थी हमारी, हुई थी ऋषिकेश में गाय, हमने तीन व्लॉग देखे ऋषिकेश के ये एक में दिखा, दूसरे में आधे में दिखा, बाकी डेढ़ व्लॉग में गायब था, बस में बैठ के गायब हो गया था। सुन चलेंगे कहीं चलो भाई। तो भाई चल दिए अब, बाकी अपने साथ बैठे प्रधान जी, अंकित बाऊ, एक कबाब को खाना आ रहा है भाई फिर की करना है की करना है निकाल ले बोल तू घुमा ना पापा को फोन आ रहा है, पापा तो नहीं है करता ही रहा है तो भाई पहुंच लेते हैं, बाकी आकाश पर चला रहा है, पापा की रिस्पेक्ट बहुत कर रहा है, बिल्कुल यह बात है, पूरे मतलब पान पापा की जो बात कह रही है घेर ना सके छोरो अरे पापा नो कह देने बेटा अडा मुंह ते तोड़ा ही मुंह ते बे छोरो भाई दूर लेके बैठ जे लगी ताको पापा भाई आगरी आदमी फौजी आदमी, अरे पापा ने दिल पे दिल तो चाहो भाई छोरा ने जैसे जैसे देख एक मामा ने पापा खूब पंप मारा साहब इतनी बड़ी मोटरसाइकिल मत दिवाओ यो है वो है तू बकवाद कर रहा पापा ने कही नहीं एक लड़का है मेरा कहे का है दिवाऊंगा दो क्या चढ़ाई गया पास तक किया भर रास्ता बंद हो रहा अरे ऐसे ले लिया हाईवे पे चढ़ा लेंगे बाकी दी बाऊ आपके क्या राय आपके पापा के बारे में पापा जी वो जी आर्मी से है जी तो भाई चलते हैं अब घर, तो भाई अपने चलते हैं घर, अब सारे भाइयों को छोड़ दिया है और भाई टाइम हो रहा अपना 11:47 हो गए हैं,
तो इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।